देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही की प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की कुछ प्रमुख खबरों पर। 12 शिक्षकों और स्कूल बंदी ने भाजपा सांसदों की उड़ाई नींद। दिल्ली में की बैठक, आलाकमान से मिलकर बताएंगे परेशानी। दूसरी खबर, घेराव कार्यक्रम में जुटे हजारों प्राथमिक शिक्षक, मांगे नहीं पूरी होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी, बिरसा चौक किया जाम। तीसरी खबर, एबीवीपी छोड़ अन्य संगठनों ने किया बहिष्कार, नहीं डाले वोट। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ पर एबीवीपी का कब्जा, कथित रूप से अगवा छात्र आए सामने। चौथी खबर, युवाओं के लिए रोजगार तलाशने सीएम रघुवर दास कल जाएंगे यूएई। आज की राजनीतिक हलचल में हम देखेंगे झारखंड में बिजली की स्थिति चरमराई, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार, राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव का नाम आगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा सांसदों की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर किया मंथन। आजाद सिपाही प्राइम की प्रमुख हेडलाइंस में हम देखेंगे, बंधु तिर्की को नहीं मिली बेल, 60,000 रिश्वत लेते सुपरवाइजर समेत दो गिरफ्तार। डॉक्टर के कमरे में की खुदकुशी की कोशिश, सस्पेंस में रहा पूरा रिम्स। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। 12 शिक्षकों ने भाजपा सांसदों की नींद उड़ा दी है। दिल्ली में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के आवास पर बुधवार को भाजपा के 11 सांसदों की बैठक हुई। इसमें 12 शिक्षकों के आंदोलन और स्कूल बंदी पर चर्चा हुई है। तय हुआ कि दोनों मामलों पर एक बार फिर भाजपा के सभी सांसद मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिलकर हल निकालने का आग्रह करेंगे। इसके बाद भी बात नहीं बनेगी तो इस मामले को पार्टी आलाकमान के समक्ष रखा जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत ने बताया कि पारा शिक्षकों और स्कूलों के विलय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के दिल्ली आवास पर बैठक हुई थी। बैठक में यह तय हुआ कि सभी सांसद पारा शिक्षकों के मामले में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे हड़ताल समाप्त कराने को लेकर बीच का रास्ता निकालने का आग्रह करेंगे। सुदर्शन भगत ने कहा कि पारा शिक्षकों की हड़ताल से राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है। जरूरी हो गया है कि इस मामले का निपटारा हो, इसके लिए सरकार और पारा शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो, एक बीच का रास्ता निकाला जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के विलय से ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है, पठारी प्रदेश होने के कारण स्कूल की दूरी ज्यादा होने से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कहा कि अगर मुख्यमंत्री के स्तर पर बात नहीं बनी तो सभी सांसद केंद्रीय नेतृत्व के पास जाएंगे। बता दें कि पहले भी भाजपा सांसदों ने मुख्यमंत्री से पारा शिक्षकों के मामले में जल्द हल निकालने का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा था कि सरकार पारा शिक्षकों से वार्ता को तैयार है, लेकिन पहले पारा शिक्षकों को हड़ताल वापस लेनी होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के आह्वान के बाद भी पारा शिक्षक काम पर नहीं लौटे, आज भी उनकी हड़ताल जारी है। 25 नवंबर से ही वे राज्य के सभी मंत्री, सांसद और विधायकों के आवास का घेराव कर रहे हैं। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की दूसरी प्रमुख खबर पर। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ ने गुरुवार को बिरसा चौक पर मुख्य सचिव झारखंड सरकार के घेराव का कार्यक्रम 48 घंटों के लिए शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। घेराव कार्यक्रम में पूरे राज्य से हजारों शिक्षक जुटे हैं। उन्होंने बिरसा चौक पूरा जाम कर दिया है। इसके कारण आसपास की सभी प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था ध्वस्त रही। महासचिव अमरेश कुमार सिंह ने कहा कि मजबूर होकर संघ के 35,000 सदस्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 48 घंटों के घेराव कार्यक्रम पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को अविलंब पूरा नहीं करती है तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ रांची के बिरसा चौक पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। बिरसा चौक जाम के कारण मुख्यमंत्री रघुवर दास को रूट डाइवर्ट कर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, वह दिल्ली दौरे पर जा रहे थे। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की तीसरी प्रमुख खबर पर।
रांची यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छोड़ अन्य आदिवासी छात्र संघ समेत संगठनों ने अपने 4 साथियों को सामने लाए जाने की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया और वोटिंग नहीं की। इससे अब रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ की सभी सीटों पर ABVP का कब्जा हो गया है। छात्रों को सामने लाने की मांग को लेकर ACS ने VC का घेराव भी किया। इधर चुनाव के 12 घंटे पहले कथित रूप से अपहरण किए गए छात्र सामने आए। आदिवासी छात्र संघ समर्थित लोहरदगा के 4 छात्र नेता रांची के एक होटल में ठहरे थे। चारों नेताओं ने वोट नहीं डालने की बात कही। सुबह 10:30 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन हंगामे के बाद 1:15 बजे पहला वोट डाला गया। ABVP समर्थित जीते प्रत्याशियों ने वोटिंग की। पूरे दिन पुलिस कैंपस में मौजूद रही। बता दें कि बीती रात ACS ने लोहरदगा के 4 छात्र नेताओं के अपहरण का आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आइए अब नजर डालते हैं प्राइम की चौथी प्रमुख खबर पर। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार तलाशने मुख्यमंत्री रघुवर दास शनिवार 15 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात जाएंगे। मुख्यमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि डिग्री से कहीं अधिक युवाओं को हुनरमंद बनाने की जरूरत है। दुबई और अबू धाबी में रोजगार के लिए हुनरमंद युवाओं की मांग है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य के युवा किसी बिचौलिए के जाल में ना फंसे। इसके लिए अमीरात में रोजगार देने वाली कंपनियों से सीधा बात करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अपनी अमीरात यात्रा के दौरान इन कंपनियों से बात करेंगे। इसके अलावा वहां बढ़ते और बदलते झारखंड को दिखाने के लिए रोड शो भी होगा, ताकि राज्य में निवेश बढ़े। इसे लेकर 16 दिसंबर को दुबई में रोड शो का आयोजन होगा। 17 दिसंबर को इस मसले पर अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता होगी। बताते चलें कि राज्य सरकार 12 जनवरी को राज्य के 1,00,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी। इसी से जोड़कर इस यात्रा को भी देखा जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। झारखंड में बिजली की स्थिति चरमराई, कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में बिजली की स्थिति 1 सप्ताह से चरमराई हुई है, लोग परेशान हैं। बिजली की दुर्दशा को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने कहा है कि हर दिन राजधानी रांची के कई इलाकों में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। सरकार राज्य के कई जिलों को पूर्ण विद्युतीकृत का दावा करती है, फिर भी राजधानी समेत कई जिले अंधकार में हैं। कांग्रेस इसके विरोध में अब सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। CM के नाम पर सस्पेंस बरकरार। राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में TS सिंहदेव का नाम आगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर जीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा सांसदों की बैठक में ताजा राजनीतिक हालात पर किया मंथन। आइए अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। बंधु तिर्की को नहीं मिली बेल। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को अब जेल से निकलने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी है। CBI के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में गुरुवार को बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। 60,000 रिश्वत लेते सुपरवाइजर समेत 2 गिरफ्तार। ACB ने गुरुवार की सुबह ग्रीडी में भूमि संरक्षण कार्यालय के सुपरवाइजर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्यालय के चेयरमैन कम सुपरवाइजर का नाम राकेश पास्कल है। तालाब निर्माण का बकाया बिल भुगतान करने के एवज में उसने 1,67,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। गुरुवार की सुबह जब वह 60,000 रुपए रिश्वत ले रहा था, तभी धनबाद ACB की टीम ने उसे धर दबोचा। बाद में उसके घर की जांच की गई तो बैग से 3,00,000 रुपए मिले। गिरफ्तार दूसरे शख्स का नाम राकेश कुमार है। उसने बकाया बिल के लिए राकेश ने लाभुक से 19% रिश्वत की मांग की थी। डॉक्टर के कमरे में की खुदकुशी की कोशिश। सस्पेंस में रहा पूरा रिम्स। रिम्स में एक मरीज के परिजन ने बुधवार को देर रात एक डॉक्टर के कमरे में घुसकर आत्महत्या की कोशिश की, परंतु फंदा लगाने की कोशिश में वह गिर पड़ा और उसकी गर्दन में चोट लग गई। आवाज होने की वजह से वह डर कर भाग गया। उधर गुरुवार को कमरे में फांसी का फंदा और खून मिलने पर दिन भर लोग सस्पेंस में रहे।
पुलिस FSL और CID की टीमें जांच में लगी रही। आज के आजाद सिपाही प्राइम में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।